बेगुनाह फौजी एक जेल में है, उनके हेल्प के लिए क्या कोई आगे नहीं आएगा? मेरे घर में 5 लाख रुपए कैश थे, लोन भरने के लिए, लोन पे उठा के लिए थे। नमस्कार, मैं इंडियन आर्मी चंदन कुमार की वाइफ बोल रही हूँ। 5 मार्च को जो घटना हुई थी, नरसंहार हुआ था, मेरे ससुर जय जय राम शाह उनको गोली मार दी गई, मेरे देवर कुंदन कुमार उनको भी मार दिया गया गोली, मेरी छोटी ननद थी उनको भी अधमरा कर दिया गया, मेरे सास थे उनको भी अधमरा कर दिया गया, मेरे बच्चे मतलब मेरे घर में घुस कर तोड़फोड़ की गई, वो लोग मेरे घर में घुस गए और घर में घुस के तोड़फोड़ की गई। मेरे घर में कैश था, गहना जेवर था, सब लूट लिया गया। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। मेरे पति यहाँ तक कि बेगुनाह होते हुए भी उनको जेल में डाला गया, जबकि मेरे पति वहाँ पर नहीं थे। मेरे पति DM ऑफिस में थे, CM SP ऑफिस में मदद के लिए गए थे, उसमें मेरे पति वहाँ नहीं थे। लेकिन बेगुनाह होते हुए भी मेरे पति गिरगिराते रहे मदद के लिए, लेकिन किसी ने मदद नहीं की, हेल्प नहीं की। यहाँ तक कि बोले कि वो यहाँ नहीं थे, वो मदद के लिए गए थे, फिर भी उनको पकड़ा गया, उनको जेल में डाला गया। मेरे पति बेगुनाह हैं, प्लीज़ उनकी, ऐसे कोई फौजी भाई नहीं है जो मेरी हेल्प कर सके। रविंदर भाई मेरी हेल्प करिए, प्लीज़ हेल्प मी। बेगुनाह फौजी एक जेल में है, उनके हेल्प के लिए क्या कोई आगे नहीं आएगा? मेरे घर में 5 लाख रुपए कैश थे, लोन भरने के लिए, लोन पे उठा के लिए, वो पैसे भी उन लोगों ने ले लिए, गहना जेवर था वो लोग भी ले, मेरे एक एक सामान मेरे घर का तोड़ा गया है, चुरा गया है, घर देखा नहीं जाता, बहुत तहस नहस किया गया, बहुत किया गया है। प्लीज़ हेल्प करिए, फौजी भाई हो हेल्प करिए, रविंदर भाई हेल्प करिए, हम लोग बहुत मुसीबत में हैं। मेरे पति को छोड़ा नहीं जा रहा है, रोज़ जाते हैं, इधर जाओ उधर जाओ, क्या करे भाई क्या करे, बीच में लॉकडाउन भी हो गया, क्या करे, मेरे पति के अलावा कोई सहारा नहीं है, ना मेरे ससुर बच्चे हैं, ना मेरे देवर है जो सहारा बने, कोई नहीं है, प्लीज़ हेल्प करिए। अभी तक जांच क्यों नहीं की गई है? मेरे घर में तोड़फोड़ की गई, मेरे घर में इधर उधर क्यों जाँच नहीं की गई है अभी तक? क्यों DM ऑफिस गए? वहाँ CCTV आप कैमरा चेक करवाइएगा, मेरे पति कहाँ पे थे, जबकि मेरे पति घटना स्थल पे थे भी नहीं, जहाँ नरसंहार ये सब हुआ वहाँ मेरे पति थे भी नहीं। क्यों मेरे पति को पकड़ के रखा गया? क्यों मेरे पति को जेल भेजा गया? जो गुनहगार है वो तो खुलेआम घूम रहा है, मेरे पति को क्यों जेल भेजा गया? यहाँ तक इतना कांड होने के बावजूद हम लोगों के पास कोई ठिकाना भी नहीं था, हम अपने गाँव गए वहाँ रहने के लिए भी, अपने घर पे इतना होने के बावजूद भी घर पे गए, लेकिन उस घर से हमको वहाँ गांव से भी रहने नहीं दिया, गाली गलौज लोग घर पे करने लगा, तो हम लोग वहाँ से आ गए। कुछ ज़रूरत पड़ती है सामान लाने के लिए, सामान लाने भी जाते हैं, फिर भी रोज़ हमको गाली गलौज किया जाता है। क्यों ऐसा क्यों फौजी के साथ ऐसा क्यों, हमेशा फौजी के साथ बुरा क्यों होता है? कोई फौज क्यों, फौज में कोई जाता है शहीद होने के लिए जाता है, शहीद हो जाता है तो उसको फूल माला चढ़ाया जाता, फिर बेगुनाह फौजी को जेल में क्यों रखा जा रहा है? उसके हेल्प के लिए कोई क्यों नहीं आ रहा है? उसकी हेल्प क्यों नहीं की जा रही है? फौजी भाइयों से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, मेरे पति को प्लीज़ छुड़वाया जाए। मेरे पति चंदन कुमार बेगुनाह है, बेकसूर है, उनको फंसाया गया है, उनके पिता को मारा गया, उनके भाई को मारा गया, उनका घर बार सब तोड़ा फोड़ा गया, एक एक सामान रद्दी रद्दी चुरा गया, उनके बच्चे को मारा गया, दोनों बच्चे को, उनकी माँ को, उनकी बहन को, मेरे साथ भी उल्टा पुल्टा किया। क्यों ऐसा क्यों होता है फौजी भाई के साथ ऐसा क्यों? हेल्प, क्या हम लोग घर से बेघर ही रहे हमेशा, या मेरे पति जेल में ही सड़ते रहेंगे? तो ऐसा है तो फौज में क्यों कोई जाएगा फौज में? अगर फौजी भाइयों फौजी की हेल्प नहीं करेंगे तो क्यों, किस लिए जाएगा कोई फौज में? हेल्प मी। क्या कोई भी ऐसा फौजी भाई नहीं है जो मेरे भाई की मदद कर सके, मेरे पिता को इंसाफ दिला सके, मेरे छोटे भाई को इंसाफ दिला सके, मेरा घर जाए? हम लोग घर से बेघर हो गए हैं, कैसे हम लोग रहेंगे? जाते हैं तो गाली गलौज सब करता है। प्लीज़ सब मिल के साथ दीजिए मेरा, अगर आप एक एक करके उठते हैं तो मेरा मदद मिल जाएगा, हम लोग को हेल्प मिल जाएगा, एक परिवार बच जाएगा। प्लीज़ सब मिल करके मदद कीजिए मेरी, प्लीज़। और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए ताकि हम लोग को मदद मिल सके। भाइयों से निवेदन है कि जितना हो सके हेल्प करिए, वायरल करिए और मेरी मदद कीजिए। एक एक अगर एक एक फौजी एक 11 बराबर होता है, प्लीज़ हेल्प मी।